हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सबको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल टेकमैन सुरेश में। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा महिंद्रा सुप्रा मैक्सीटॉक एचडी सीरीज वर्सेस टाटा एस मेगा एक्सेल 2019। दोनों गाड़ी का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, पेलोड कैपेसिटी, डेक लेंथ के बारे में आप लोग को सब कुछ बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, यदि आप एक बाइक लवर हैं या फिर आपको स्मार्टफोन के बारे में कुछ जानना है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो दो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इंजन की तो सुप्रा मैक्सी ट्रक में DI टर्बोचार्ज 909 सीसी का इंजन लगा हुआ है। एस मेगा एक्सल में डाइकॉट TCIC 798 सीसी का इंजन लगा हुआ है। बात करें इंजन पावर की तो सुप्रा मैक्सी ट्रक में आपको 45 हॉर्स पावर का पावर, एस मेगा एक्सल में 40 हॉर्स पावर का आपको पावर मिलेगा। बात करें इंजन टॉर्क की, सुप्रा मैक्सी ट्रक में 98 न्यूटन मीटर, एस मेगा एक्सेल में 100 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है। माइलेज सुप्रा मैक्सी ट्रक में 21.2, एस मेगा एक्सेल में 17.9 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिल जाएगा। एक्सोरूम प्राइस की बात करें, सुप्रा मैक्सी ट्रक का है 4,92,000 रुपये, एस मेगा एक्सेल का है 4,82,000 रुपये। दोस्तों, डिजाइन के हिसाब से देखें तो सुप्रा मैक्सी ट्रक का हाईलाइट पॉइंट है इसका फ्रंट नोज डिजाइन। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो सामने का हिस्सा है थोड़ा नोज टाइप बनाया है, जो कि एक्सीडेंट टाइम में ड्राइवर को ज़्यादा सेफ्टी देगा। और टाटा एस मेगा एक्सेल में ये टोटली फ्लैट है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा कम सेफ्टी है। बात करें पेलोड कैपेसिटी की तो सुपर मैक्सी ट्रक और एस मेगा एक्सेल दोनों का जो नॉर्मल पेलोड कैपेसिटी है वो है 1 टन। आराम से 2 टन आप इन दोनों गाड़ी में ले सकते हैं। गाड़ी का लंबाई हिसाब से यदि हम देखें तो दोनों गाड़ी का लंबाई भी दोस्तों सेम है। दोनों गाड़ी का जो डेक लंबाई 8 फुट 2 इंच आपको मिल जाएगा। बात करें डेक विथ की, गाड़ी का चौड़ाई, इसमें सुप्रो मैक्सी ट्रक का चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रो मैक्सी ट्रक का चौड़ाई 5 फुट और टाटा एस मेगा एक्सेल का है 4 फुट 8 इंच। यदि हम कंपैरिजन करें पेलोड कैपेसिटी और गाड़ी का जो लंबाई है डेक लेंथ के हिसाब से तो दोनों गाड़ी सेम है, मगर यदि हम देखेंगे गाड़ी का डेक विथ के हिसाब से तो सुप्रो मैक्सी ट्रक टाटा एस से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है। दोस्तों, टायर्स की बात करें तो सुप्रो मैक्सी ट्रक में 13 इंच का टायर और एस मेगा एक्सेल में आपको 14 इंच का टायर मिलता है। इसमें एस मेगा एक्सेल में आपको थोड़ा बड़ा टायर मिलेगा। बात करें व्हील बेस की, सुप्रो मैक्सी ट्रक में 2050 मिलीमीटर, एस मेगा एक्सेल में 2250 मिलीमीटर इसका व्हील बेस है। इसके हिसाब से देखें तो टाटा एस थोड़ा बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस सुप्रो मैक्सी ट्रक का थोड़ा ज़्यादा है 176 और टाटा एस मेगा एक्सेल का है 175 मिलीमीटर। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो सुपर मैक्सी ट्रक का है 33 लीटर और एस मेगा एक्सेल का है 30 लीटर्स। इसमें आपको सुपर मैक्सी ट्रक में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, सुपर मैक्सी ट्रक का ड्राइवर केबिन में यदि मैं आपको दिखाऊं तो फिर आप देख सकते हैं ये डुअल कलर में देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी का लुक को और भी बेहतर बनाता है। और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये थोड़ा आपको कार जैसा फीलिंग देगा। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आपको बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा। इस गाड़ी का 3 वेरिएंट आपको मिलता है, T2, T4, T6। बात करें तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो फिर आप देख सकते हैं ये आपको टोटली एनालॉग विद डिजिटल में देखने को मिलेगा। मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए। और ये देखने में अभी बहुत ही शानदार लगता है। इसका जो लाइटिंग फंक्शन है आप देख सकते हैं, इसका जो लाइटिंग फंक्शन इसे और थोड़ा बेहतर भी बना देता है। इसमें आपको फ्यूल गॉज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर सब देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें एसी नहीं मिलता। T2 में मैनुअल स्टीयरिंग मिलेगा, T4 में पावर स्टीयरिंग और T6 में पावर स्टीयरिंग विथ एसी दोस्तों मिलता है। बात करें ट्रांसमिशन की तो दोनों गाड़ी में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है और दोनों गाड़ी में 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर, म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए कि T2 में आपको मैनुअल स्टीयरिंग, T4 में पावर स्टीयरिंग और T6 में आपको पावर स्टीयरिंग विथ AC मिलता है। दोस्तों, ये है टाटा एस मेगा एक्सेल का ड्राइवर केबिन। ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर ऑप्शन, उसके साथ आपको म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिलेगा। दोस्तों, इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो कि नॉर्मली ड्राइवर के सामने होता है, मगर इसमें आपको ड्राइवर और को पायलट दोनों के सामने देखने को मिलेगा, जो कि देखने में थोड़ा अलग लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन सा गाड़ी अच्छा लगा।